हेलो एवरीवन, इल्यूम बायोलॉजी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्लास नंबर 77। आज हमारा 77th वीडियो है इस पूरे सीरीज में, और आज हम लोग नर्वस सिस्टम का एक टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे, जिसका नाम है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो सभी, और इनको याद करने के सारे निमोनिक्स, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। हम लोग क्रेनियल नर्व शुरू करने से पहले आप ये डायग्राम देखिए। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ह्यूमन बींग्स में जो नर्वस सिस्टम है उसको बेसिकली दो बड़े भाग में डिवाइड किया गया है। एक का नाम रखा हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS, और एक का नाम रखा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS। इनका नाम देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल मतलब क्या हो गया, जो सेंटर में है। तो अगर हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें दो चीजें आती है, एक आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। बॉडी के एकदम जो सेंट्रल एक्सिस है ये वाली, इस सेंट्रल एक्सिस में आपको एक तरफ ऊपर की तरफ मिल जाएगा ब्रेन और नीचे की तरफ मिल जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। इसलिए हम इस पूरे नर्वस सिस्टम को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड आता है। नेक्स्ट चलता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नाम में रखा है हमने पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब टुवर्ड्स आउटसाइड, पेरिफेरी की तरफ, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़कर बॉडी की जो पूरी पेरिफेरी में जितना भी सिस्टम है नर्वस सिस्टम का, वो सब कहलाता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और उस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेसिकली क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स और सेंसरी ऑर्गन्स। क्रेनियल नर्व्स मतलब वो सारी नर्व्स जो क्रेनियम यानी कि ब्रेन, ब्रेन से ओरिजिनेट होती है, उसको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। सेकेंड है स्पाइनल नर्व्स, तो जैसा आपको नेम सजेस्ट करा ये स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है। और तीसरा है सेंसरी ऑर्गन्स है, हमारी बॉडी में जितने भी सेंसेशंस है, जो सेंसरी ऑर्गन्स है जैसे आई, नोज, टंग, ईयर या स्किन के ऊपर के सारे रिसेप्टर्स, बॉडी के जितने भी सेंसेस जो है वो सारे के सारे किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो बेसिक जो आइडिया है वो ये है कि नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली दो चीजें रखी हमने, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स निकलती है वो बनाती है हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स क्रेनियल नर्व्स कहलाती है, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स स्पाइनल नर्व्स कहलाती है। और उसके अलावा जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स, जितने भी सेंसरी पार्ट है बॉडी के, वो सभी ये तीनों चीजें मिलकर बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर मैं क्रेनियल नर्व्स की बात करूं तो ह्यूमन बींग्स में टोटल 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स है और स्पाइनल नर्व्स टोटल 31 पेयर्स। कई बार तो एग्जाम में हमें डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है जिसमें आपके नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स और नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स पूछते हैं ह्यूमन बींग्स में, तो डायरेक्ट सीधा याद किया और अपना आंसर मिल जाएगा हमें। तो हम लोग जो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है हमारा टॉपिक क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स का अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं आपको तो इट अराइज फ्रॉम ब्रेन, इनका ओरिजिन कहां से, ब्रेन से, तभी ये कहलाती है क्रेनियल नर्व्स। और राम में ये 12 पेयर्स होते हैं। देखिए मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं एग्जैक्ट उसी तरह से आपको सिखा रहा हूं जिस तरह से मुझे अपने टाइम में सिखाया गया था। मुझे मेरे टीचर्स बोलते थे कि एक ग्रुप होता है एनिमल्स का जिसको हम कहते हैं राम, यानी कि रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स। रेप्टाइल्स एवीज यानी बर्ड्स को कहते हैं हम, और मैमल्स, इस ग्रुप का याद करने को तरीका उन्होंने सिखा दिया हमें राम, क्योंकि इन तीनों में बहुत से करेक्टर्स काफी कॉमन थे, तो आप इसको राम की तरह याद करते हो। तो क्रेनियल नर्व्स राम में कितने पेयर्स हैं, 12 पेयर्स है राम, रेप्टाइल्स एवीज और मैमल्स को कहते हैं। और बाकी अगर हम फिशेस और एम्फीबियंस की बात करें, यानी जो प्रिमिटिव है राम से भी, रेप्टाइल्स एव्स और मैमल्स से प्रिमिटिव है एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस से भी प्रिमिटिव है फिशेस, तो उनमें आपको टोटल 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स देखने को मिलता है, और राम में 12 पेयर्स। ह्यूमन बींग्स मैमल्स में आते हैं इसलिए हमें भी 12 पेयर्स की क्रेनियल नर्व्स है। तो ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हमें क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम लोग सबसे पहले याद करेंगे कि क्रेनियल नर्व्स के नाम याद रखने का तरीका क्या है। देखिए बहुत ही इजी सा निमोनिक बनाया है मैंने इसको याद करने के लिए, और बहुत आसानी से आप इनको याद भी कर लोगे। और मेन नाम याद करने के अलावा जो चैलेंज है वो ये है कि आपको ये सारे नाम सीक्वेंस में याद करने होते हैं, क्योंकि इन्हीं के हिसाब से हमने क्रेनियल नर्व्स के नंबर लिखे हुए, जो 12 पेयर्स है उनके हमने प्रॉपर नंबरिंग किया है, और हर नंबर का जो पर्टिकुलर नर्व है वो हमें याद करना होता है, जैसा हम लोग ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स में करते हैं। जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स है तो उनके पर्टिकुलर हम नाम याद रखते हैं, उसी तरह से 12 क्रेनियल नर्व्स के भी अपने को नाम याद करने हैं। तो ये जो सीक्वेंस है नर्व्स का, वो याद करने का मेरा तरीका क्या है। देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ 000 यानी 000, 3 बार 0। अभी 000 क्या है, तो 000
is the total awards Farhan given as hero. Farhan मतलब फरहान अख्तर जो हमारा बॉलीवुड का एक्टर है, तो उनको हीरो के रोल के लिए आज तक कितने अवार्ड्स मिले? जीरो. ये फैक्ट नहीं है, आपको इसमें फरहान के फैंस मुझसे नाराज ना हो कि नहीं सर फरहान को तो काफी अवार्ड्स मिले हैं उनकी एक्टिंग के लिए, ऐसा नहीं है. मतलब ऐसा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं कि उसको अवार्ड कितने मिले. मेरा निमोनिक ये बोलता है कि फरहान अख्तर को आज तक एक भी अवार्ड नहीं मिला है अपने हीरो की एक्टिंग के लिए. तो हमने क्या एक फ्रेज याद किया, 000 द टोटल अवार्ड्स फरहान गिवन एज हीरो. और इसमें जो मैंने अल्फाबेट्स कलर्ड में लिखे हैं, इन्हीं अल्फाबेट्स को याद करके हम हमारे क्रेनियल नर्व्स का नाम याद कर सकते हैं. 000 में यहाँ पे जो मतलब है वो है ओ ओ और ओ, यानी जो पहली तीन क्रेनियल नर्व्स हैं उन तीनों का नाम कहाँ से शुरू होता है? ओ से. फिर डी का टी, टोटल का टी, अवार्ड्स का ए, फरहान का एफ और ए दोनों, क्योंकि मैंने एफ और ए दोनों को हाईलाइट किया है, तो एफ और उसके बाद में ए. फिर गिवन में से जी और वी, एस का ए और हीरो का एच. आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी. हमें एक लाइन याद करनी है कि 000 द टोटल अवार्ड्स फरहान गिवन एज हीरो, और सबके जो वो अल्फाबेट्स हैं उनको यूज करते हुए मैंने ये अल्फाबेट्स की सीरीज लिख दी. अगर मैं मेरी बात करूं तो ये निमोनिक भी बनाने की जरूरत नहीं है. मुझे क्लास 12th से लेकर आज तक जो मैंने याद करने का तरीका बनाया वो इससे भी ज्यादा आसान था, और वो तरीका था ओटा फगवा. एक सिंपल सा अजीब सा नाम मुझे याद करना है, वो नाम है ओटा फगवाह. तो ओटा फगवा कैसे लिखेंगे? ओटा इज ओ ओ ओ टी टी ए, ओटा यानी जो इनिशियल के छह अल्फाबेट्स है ओ ओ ओ टी टी ए, ओटा, ये तो बन गया ओटा. और एफ ए जी फग वी ए एच वाह, तो ओटा फगवा. मुझे तो आज तक सारी क्रेनियल नर्व्स के नाम केवल ओटा फगवा से याद हो गए. लेकिन अगर आपको इसको ओटा फगवा आपसे याद नहीं हो रहा, तो आप 000 द टोटल अवार्ड्स फरहान गिवन एज हीरो को आप याद कर सकते हो. बाकी डायरेक्टली आप चाहे तो ओटा फगवा याद कीजिए और आपको सारे नाम याद हो जाएंगे. चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग. सबसे पहला ओ का मतलब है ऑल्फैक्ट्री, नेक्स्ट ओ का मतलब है ऑप्टिक, उसके भी नेक्स्ट ओ का मतलब है ऑक्युलोमोटर. यानी जो पहली तीन क्रेनियल नर्व्स हैं उनके नाम है ऑल्फैक्ट्री नर्व, ऑप्टिक नर्व और ऑक्युलोमोटर नर्व. इन सब के फंक्शंस हम लोग बाद में अलग से स्लाइड्स में देखेंगे, फिलहाल हम लोग केवल इनको याद करने का तरीका सीख रहे हैं. नेक्स्ट है टी, टी का मतलब होगा यहाँ पे ट्रोक्लियर. उसके बाद है टी जिसका मतलब है ट्राइजेमिनल. उसके बाद में ए का मतलब है एब्ड्यूसेंस. नेक्स्ट एफ स्टैंड्स फॉर फेशियल. द नेक्स्ट ए इज फॉर ऑडिटरी. उसके बाद में जो जी है वो है ग्लॉसोफेरिंजियल. उसके बाद में वी का मतलब है वेगस. ए का मतलब है एसेसरी स्पाइनल फेरिंजियल, एसेसरी स्पाइनल. और लास्ट है एच का मतलब हो जाएगा हमारा हाइपोग्लॉसल. तो ये जो 12 नाम जो क्रेनियल नर्व्स के हैं उसका सीक्वेंस क्या है? ऑल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्युलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरिंजियल, वेगस, एसेसरी स्पाइनल और हाइपोग्लॉसल. तो इनको हमें प्रॉपर सीक्वेंस में याद करना है. और जब हमें ये सीक्वेंस ओटा फगवा याद हो गया, तो हर अल्फाबेट के ऊपर ओ पहली, सेकंड ओ दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवंथ और ट्वेल्थ, ये वो सीक्वेंस है जो हमसे कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि विच इज द एट्थ क्रेनियल नर्व. तो अपना सीधा आंसर होता है ऑडिटरी नर्व इज द एट्थ क्रेनियल नर्व. जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा आपको रियलाइज होगा कि केवल ओटा फगवा ही नहीं, बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे मुझे ये नाम बहुत आसानी से याद हो सकते हैं. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम लोग और ज्यादा इस पे देखते रहेंगे. तो हमें क्या निमोनिक याद करना है? ओटा फगवा. और इस ओटा फगवा से हम सारी 12 क्रेनियल नर्व्स के नाम याद कर लेंगे. और अगर आपसे पूछे कि सर फिशेस और एम्फीबियंस में ऐसी कौन सी दो नर्व्स हैं जो नहीं प्रेजेंट होती है और राम में प्रेजेंट होती है, तो अपना आंसर होगा 11th और 12th, यानी कि एसेसरी स्पाइनल और हाइपोग्लॉसल नर्व फिशेस और एम्फीबियंस में नहीं मिलती, बाकी 10 तीन उन दोनों में भी पाई जाती है. ठीक है, देखिए ये वीडियो मुझे बाइलिंगुअल बनाने पड़ते हैं जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स को समझ में आए, इसलिए कई बार हो सकता है हिंदी के कुछ वर्ड्स मुझसे ऊपर नीचे हो जाएं, तो उसको प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा. हम लोग देखें तो इसमें एक और जो क्वेश्चन आता है वो ये पूछा जाता है कि कौन सी क्रेनियल नर्व सेंसरी है, कौन सी क्रेनियल नर्व मोटर है और कौन सी क्रेनियल नर्व मिक्स्ड है. हमें पता ही है सेंसरी नर्व्स किसको कहते हैं हम लोग? सेंसरी नर्व्स हम उनको कहते हैं जो सेंस ऑर्गन से सीएनएस तक मैसेज
या इम्पल्स लेकर जाती है। मोटर नर्व वो होती है जो सीएनएस से एफेक्टर्स तक इम्पल्स लेके जाती है, और मिक्स नर्व्स वो होती है जिसमें सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं और मोटर फाइबर्स भी होते हैं। तो कौन सी क्रेनियल नर्व किस टाइप की है वो याद करने का जो सबसे आसान तरीका आपको कहीं भी मिलेगा वो मैं अब आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखिए मिक्स नर्व कौन सी है उसको याद करने का सबसे सरल तरीका ये है कि मुझे मिक्स्ड वेजिटेबल पसंद है। मुझे मेरी सबसे फेवरेट सब्जी या वेजिटेबल कौन सी है, तो अपना आंसर होगा मिक्स्ड वेजिटेबल मेरी सबसे पसंदीदा सब्जी है। मुझे सिर्फ और सिर्फ जो पसंद है वो है मिक्स्ड वेजिटेबल। तो मैंने क्या याद कर लिया कि मुझे मिक्स्ड वेजिटेबल पसंद है। तो मिक्स्ड वेजिटेबल में मिक्स्ड का मतलब हो जाएगा मिक्स्ड नर्व्स, और पसंद को मैं अगर हिंदी में लिखता हूं तो कुछ ऐसे लिखा जाता है पसंद, पसंद। और कौन है पसंद, क्या है मुझे मिक्स्ड वेजिटेबल यानी पसंद मिक्स्ड। पसंद का मतलब समझो, प मतलब 5, स मतलब 7, न मतलब 9 और द मतलब 10। हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत आसान रहेगा, और बाकी 5, 7, 9, 10 ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी कुछ टफ है नहीं। इतना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी पता है कि 5 को 5 कहते हैं, 7 को 7 कहते हैं। तो प से 5, स से 7, न से 9 और द से 10। तो मिक्स्ड वेजिटेबल पसंद है यानी पसंद द 5, 7, 9, 10 वाली नर्व्स कौन सी है, मिक्स्ड नर्व्स। मुझे नहीं लगता इससे आसान तरीका कोई आपको बता सकता है कि मिक्स्ड नर्व्स कैसे याद रखनी है। नाम भी देख लेते हम लोग, पांचवी नर्व कौन सी है, ट्राइजेमाइनल। सातवीं नर्व कौन सी है, फेशियल। नवीं नर्व है अपनी ग्लॉसोफेरिंजियल, और दसवीं नर्व है अपनी वेगस। जो अपने को कैसे याद होगा, वो याद होगा अपने को ओटा फगवा वाले निमोनिक से। नेक्स्ट जो हम लोग याद करेंगे वो है सेंसरी नर्व्स। देखिए सेंसरी नर्व्स कौन कौन सी है, क्रेनियल नर्व्स, वो याद करने के लिए आपको निमोनिक की नहीं, आपको दिमाग की जरूरत है। और वो दिमाग कैसे लगाओगे आप, बिल्कुल आसान है। देखो समझो आप, सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स हैं जो आपके सेंस ऑर्गन्स से इम्पल्सिस को लेके जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। तो अगर आप बिल्कुल ही लॉजिकल बात करें, कॉमन मैन की तरह बात करें हम, तो हम अगर आपसे पूछें कि हमारी बॉडी में मेन सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा नोज, आईज और ईयर, यानी नाक, आंख और कान, ये मेन तीन आपके सेंसरी नर्व्स है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो नर्व्स आपके नाक, कान और आंख यानी नोज, आई और ईयर को सप्लाई करेंगे, केवल वही नर्व्स कैसी है, सेंसरी नर्व्स, और कोई नर्व्स सेंसरी नर्व्स नहीं है। तो नाक से निकलने वाली नर्व कौन सी है, तो अपना आंसर होगा ऑल्फैक्टरी। ये भी कैसे याद करना है, मैं आपको जब फंक्शन याद करवाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको ये याद करना है। उसमें भी बहुत अच्छे तरीके हैं मेरे पास, और बहुत आसान से तरीके हैं मेरे पास जिससे बायोलॉजी आपको बहुत आसान लगने लगेगी। तो सबसे मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले कि नाक से निकलने वाली नर्व आपकी सेंसरी नर्व है यानी कि ऑल्फैक्टरी नर्व। फिर मैं बात करूंगा आँख से जो विजन का मैसेज लेके जाती है वो नर्व आपकी सेंसरी नर्व होगी, तो वो है आपकी ऑप्टिक नर्व। और जो तीसरी है वो है आपकी कान वाली, और कान वाली नर्व को हम क्या कहते हैं, ऑडिटरी नर्व। तो ये तीन नर्व्स कैसी, हमारी सेंसरी नर्व्स कहलाती है। समझ में आया, तीन सेंस ऑर्गन्स, और उन्हीं तीन सेंस ऑर्गन्स में से निकलने वाली नर्व्स जो सप्लाई करेगी ब्रेन को वो है तुम्हारी सेंसरी नर्व्स यानी कि ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और तीसरी तुम्हारी ऑडिटरी। ये भी नहीं याद हो रहा अगर आपसे, बिल्कुल लॉजिकल चीज है, अगर आपको याद नहीं हो रही, रटना ही है आपने, तो आप रट लो 128। जैसे आप लोगों ने कुछ नंबर्स नहीं याद किए होते, 100 नंबर पुलिस का या 108 राजस्थान में नंबर एम्बुलेंस का, वैसे याद कर लो 128 सेंसरी या 128 सेंसरी यानी नर्व नंबर 1, नर्व नंबर 2 और नर्व नंबर 8 आपकी सेंसरी नर्व्स है। तो फर्स्ट नर्व है आपकी ऑल्फैक्टरी, सेकंड वाली हो गई आपकी ऑप्टिक, और 8th हो गई आपकी ऑडिटरी। तो ये तीनों नर्व्स कैसी हो गई, हमारी सेंसरी नर्व्स है। और फंक्शंस अगर आपको पूछे तो मैं हालांकि आपको बताऊंगा, ऑल्फैक्टरी नर्व आपकी नोज को सप्लाई करती है, ऑप्टिक नर्व आई को सप्लाई करती है, और ऑडिटरी नर्व हमारी सप्लाई करती है ईयर को। तो 128 सेंसरी और 5, 7, 9, 10 मिक्स्ड। वापस बता रहा हूँ, पसंद 5, 7, 9, 10 हो गई मिक्स्ड, 128 डायरेक्ट याद कर ली सेंसरी, यानी जो पीछे 5 बची वो कौन सी होगी, मोटर नर्व्स। तो बस मोटर नर्व्स जो पीछे 5 बची, 3, 4, 6, 11, 12। अब आपको मोटर नर्व्स के लिए किसी निमोनिक की जरूरत नहीं है, हर चीज के लिए निमोनिक नहीं बनाना। सेंसरी याद हो गई, मिक्स्ड याद हो गई, जो बची वो आपकी मोटर नर्व होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको डायरेक्ट आंसर देना उसका। चलिए
कई बार मैंने एग्जाम में देखा वो है कि क्रेनियल नर्व्स का ओरिजिन पूछते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा क्रेनियल नर्व ब्रेन में कहाँ से ओरिजिनेट होता है। अब अपने को पता है क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से ओरिजिनेट होती है, पर ब्रेन के किस पार्ट से कौन सी नर्व निकलती है वो अपने को याद करना है। तो उसको भी याद करने का मैं बहुत आसान तरीका बताता हूँ आपको, यहाँ पे देखिएगा इस डायग्राम पे, मैं बाद में आऊंगा वापस आपको एक्सप्लेन करने के लिए। फिलहाल आप ये देखिए कि आपको ये याद कैसे करना है। सबसे पहले आप लिखो एक और दो, उसके बाद नेक्स्ट दूसरी दो नर्व्स, तीन और चार, उसके बाद नेक्स्ट चार नर्व्स, और उसके बाद और नेक्स्ट चार नर्व्स, यानी पहली दूसरी तीसरी चौथी फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ और नाइन्थ टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ। दो नर्व्स ऊपर, फिर दो नर्व्स नीचे, फिर चार नर्व्स नीचे और फिर चार नर्व्स नीचे, ये आपने ऐसे लिख दिया। अब आप याद कीजिए ब्रेन का स्ट्रक्चर और मुझे बताइए ब्रेन में सबसे ऊपर क्या है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है और उसके नीचे क्या है, यही सिक्वेंस आपको इसके सामने लिखना है। अगर मैं ब्रेन की बात करूँ तो फोर ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है हमारा, सेरेब्रम, यानी सबसे ऊपर कौन सा हो गया फोर ब्रेन में, सेरेब्रम। सेरेब्रम से हम नीचे आते तो कौन सा पार्ट आता है, तो अपना आंसर होगा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के नीचे क्या आता है, तो हम आंसर देंगे पॉन्स, और पॉन्स के नीचे क्या आंसर आता है, तो अपना आंसर होता है मेडुला। तो ये सेरेब्रम, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, यही सिक्वेंस में आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं ऊपर से नीचे, और उसी के सामने हमने सिक्वेंस लिख दिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां और नवां दसवां ग्यारहवां बारवा, और उसके आगे सीक्वेंस लिख दिया हमने ब्रेन में ऊपर से नीचे के स्ट्रक्चर का, और यही इनका ओरिजिन है। यानी नर्व नंबर पहली और दूसरी निकलती है सेरेब्रम से, तीसरी और चौथी निकलती है मिड ब्रेन से, पांचवी छठी सातवीं आठवीं पॉन्स से, और नवी दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं मेडुला से। और यही चीज अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना चाहूं तो आप देखिए यहाँ पर मैंने जो शो कर रखा है, ये जो ये है अपनी सबसे पहली नर्व और ये है हमारी सेकेंड नर्व, ये दोनों कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, सेरेब्रम वाले पार्ट से। ये जो मैंने यहाँ शो कर रखी है ये है हमारी थर्ड नर्व और ये है हमारी फोर्थ नर्व, ये ओरिजिनेट हो रही है मिड ब्रेन से। फिर मैं बात करता हूँ फिफ्थ नर्व की, सिक्स्थ नर्व की, सेवन्थ नर्व की और एट्थ नर्व की, ये सभी की सभी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये सभी ओरिजिनेट हो रही है हमारी पॉन्स से। और जो पीछे नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ और ट्वेल्थ, ये सारी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तुम्हारा आंसर होगा मेडुला। याद करने का आसान तरीका और डायग्रामेटिकली सीखना हो तो ये हमारा तरीका है। बाकी मुझे तो ऐसे ही याद है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं, और उसके सामने मैंने लिख दिया ब्रेन के स्ट्रक्चर्स ऊपर से नीचे तक। जो हम पढ़ेंगे वो हम लोग इनके फंक्शंस पढ़ेंगे। देखिए अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ चीजें, ये वो तरीका है जिससे मैंने क्लास इलेवेंथ से लेकर पूरे अपने मेडिकल फील्ड में जो एक तरीका अपनाया है चीजों को याद करने का, वो तरीका मैं आज आपको यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपको फंक्शंस के अलावा ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत सी चीजें याद हो भी जाएंगी और आगे आपको एमबीबीएस में भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी ज्यादा। चलिए सीखते हैं हम लोग। सबसे पहली नर्व कौन सी है, ओटा फगवा, यानी ओ से शुरू होगी और वो नाम है हमारा ऑल्फैक्टरी। कौन सा टाइप है ये, 128 सेंसरी, यानी नर्व कैसी है, सेंसरी नर्व। यहाँ पर मैं आपको एक वर्ड सिखाता हूँ और उस वर्ड का जो वो वर्ड है ऑल्फेक्शन। ऑल्फेक्शन एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है टू स्मेल, ये एक यूरोपियन वर्ड है। देखिए जो हमारा बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री या मोस्ट ऑफ द साइंस का जो डेवलपमेंट जो है या फिर इनके जो जो वर्ड्स हैं जो जो टर्म्स हैं वो सारे के सारे डिराइव्ड हैं यूरोप से, यूरोपियन लैंग्वेजेस से। तो अगर हम कुछ शब्द यूरोपियन वर्ड्स को याद कर लें और उनका मीनिंग ध्यान रखें तो हम बहुत सारी चीज़ों को डिराइव करना सीख जाएंगे। जैसे अगर आज से बायोलॉजी में मेडिसिन में कहीं पर भी ऑल्फेक्शन वर्ड सुनाई दे तो आप समझ लेना कि उसका कहीं ना कहीं रिलेशन किसके साथ में है, स्मेल के साथ में। तो जैसे मैं आपको और एग्जांपल दूँ इसमें, तो आपको पता होगा ब्रेन में एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम लोग ऑल्फेक्ट्री लोब्स। आप जब ब्रेन स्टडी करेंगे तो आप वहाँ पढ़ेंगे ऑल्फेक्ट्री लोब्स। तो अगर आपको ऑल्फेक्शन का मतलब है कि टू स्मेल, तो आप ऑल्फेक्ट्री लोब का फंक्शन भी बता सकते हो कि वो स्मेल में हेल्प करती है। तो अगर पहली नर्व का नाम है ऑल्फेक्ट्री यानी स्मेल, तो इसका मीनिंग, इसका फंक्शन क्या हो गया, तो इसका फंक्शन हो गया स्मेलिंग। जो हम लोग किसी चीज की सुगंध या उसकी बदबू अपने को रियलाइज होती है वो होती है हमारी ऑल्फेक्ट्री नर्व की वजह से। सेकेंड नर्व की मैं बात करूंगा तो सेकेंड नर्व है हमारी ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक अगेन ये एक बहुत बढ़िया वर्ड ऑप्टिक। आपने ये वर्ड सुना है ऑप्टिक, बहुत फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू साइट, देखने के लिए वर्ड यूज होता है ऑप्टिक, आंख के लिए या विजन के लिए वर्ड यूज होता है
ऑप्टिक। और आपने अगर देखा हो तो अपने किसी भी सिटी में ये जो आपके जो चश्मे बनाने वाली शॉप्स होती है उसमें लिखा होता है ऑप्टिशियंस। तो ऑप्टिक इज अ वर्ड विच मीन्स एनीथिंग रिलेटेड टू आई और विजन, देखने या आंख से रिलेटेड ये एक वर्ड है। तो ऑप्टिक का क्या हो जाएगा फंक्शन ऑप्टिक नर्व का, तो हम आंसर देंगे सीधा साइट, यानी देखने का काम करती है हमारी ऑप्टिक नर्व। अब देखिए ऑप्टिक नर्व देखने का काम करती है यानी आंख ओरिजिन है इसका, सॉरी आंख से रिलेटेड है ये, और ये एक सेंस ऑर्गन है, मतलब ये भी कैसी हो गई सेंसरी नर्व। तो हमने याद कर लिया 128 सेंसरी यानी पहली और दूसरी कैसी है, दोनों सेंसरी नर्व है, बिल्कुल स्मेल और साइट के काम आती है। इन चीजों से आपको फंक्शन भी याद हो गए और इससे आपको ये भी याद हो गया कि कौन सी सेंसरी है और कौन सी मोटर है और कौन सी मिक्स्ड है। तो अपने को कई बार चीजें अगर समझ लें, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स याद कर लें, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरे पे चलते हम लोग, तीसरा वर्ड है हमारा ऑक्युलो मोटर। ऑक्युलो मोटर भी अगर मैं बात करूं तो इसके नाम में ही उसने लिख दिया मोटर, यानी ये कैसी हो गई एक मोटर नर्व है जो मसल्स को सप्लाई करेगी। अब अगर कोई नर्व आपकी मसल को सप्लाई कर रही है तो मसल का फंक्शन क्या होता है, मसल का फंक्शन होता है मूवमेंट। तो यानी कि इस नर्व का जो फंक्शन होगा किसी ना किसी मूवमेंट से रिलेटेड होगा। और ये जो वर्ड है ऑक्युलो, ऑक्युलो भी बायोलॉजी में वर्ड कई बार यूज होता है, ऑक्युलो का भी मतलब होता है आई, एनीथिंग रिलेटेड टू आई और विजन इज कॉल्ड एज ऑक्युलो मोटर। जैसे मैं अगर आपको वर्ड्स सिखाऊं तो आपने सुना होगा इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर, यानी आंख के अंदर जो फ्लूड होता है विट्रियस ह्यूमर उसका जो प्रेशर रहता है उसको हम कहते हैं इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर। तो ऑक्युलर ऑक्युलो इसका मतलब ही क्या हो गया आई। तो ऑक्युलो आई मोटर इज एक नर्व जो मसल्स को सप्लाई करती है, यानी इसका फंक्शन क्या हो गया मूवमेंट, यानी ऑक्युलो मोटर नर्व्स के नाम से आपको याद हो जाएगा कि ये आई के मूवमेंट से रिलेशन रखती है। और आई में किस चीज का मूवमेंट होता है, तो हम आंसर देंगे सर आई बॉल का मूवमेंट जो रहता है। तो मूवमेंट ऑफ आई बॉल, जो हम लोग आंखें इधर उधर करते हैं, जो जो कहते हैं ना आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, वो अदाएं तुम्हें तुम्हारी ऑक्युलो मोटर नर्व से मिली है। यहां पर मैं आपको एक और चीज याद करवा दूं साथ ही लगे हाथों, कि मूवमेंट ऑफ आई बॉल यानी आई बॉल का जो मूवमेंट है लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, ये जो मूवमेंट है इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय सिंगल क्रेनियल नर्व। एक सिंगल क्रेनियल नर्व इन आई बॉल का मूवमेंट कंट्रोल नहीं करती। टोटल तीन क्रेनियल नर्व्स हैं, इन तीन क्रेनियल नर्व्स की हेल्प से आई बॉल का मूवमेंट होता है। और उसके लिए मुझे याद करना है 346, यानी क्रेनियल नर्व नंबर तीसरी चौथी और छठी, थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। इन तीनों क्रेनियल नर्व का फंक्शन अगर आपसे पूछे तो आप आंख बंद करके आंसर दीजिएगा मूवमेंट ऑफ आई बॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ नर्व। तो फोर्थ नर्व का तो चाहे नाम याद रहे ना रहे, फोर्थ नर्व का फंक्शन हमें याद रहेगा और वो है मूवमेंट ऑफ आई बॉल। और नाम भी कैसे याद नहीं रहेगा, ओटाफगवा, यानी फोर्थ का नाम चालू होगा टी से और वो है आपका ट्रोक्लियर। फंक्शन आपसे पूछेंगे तो आप आंसर दीजिएगा मूवमेंट ऑफ आई बॉल। अगर मैं बात करूं तो इसका भी नाम चालू होगा टी से, ओटा में चल रहे हैं अब तक हम, और ये है हमारी ट्राइजेमिनल नर्व। और ट्राइजेमिनल नर्व, अब इसके नाम में आ रहा है ट्राई, ट्राई मतलब हो गया तीन, तो इसको ट्राइजेमिनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आगे जाके तीन ब्रांचेज में डिवाइड होती है। इतना ज्यादा डिटेल में जाने का कोई सेंस नहीं है नीट के लेवल पे, आप बस ये याद रखिए। और आपको इसके साथ साथ में ये याद रखना पड़ेगा कि ट्राइजेमिनल नर्व को हम कहते हैं डेंटिस्ट नर्व। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके सारे के सारे दांत जितने भी हैं, चाहे मैक्सिलरी टीथ यानी अपर दांत हो या मैंडिबुलर टीथ यानी जो नीचे के दांत है, उन सब दांतों की सप्लाई आती है हमारे ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेज से। इसलिए और डेंटिस्ट का सारा काम इन दांतों के आसपास ही रहता है, इसलिए जो 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 एनेस्थीशिया देके जो सुन्न करते हैं वो इन्हीं की ब्रांचेज को सुन्न किया जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। और ये हमारी पसंद की पहली नर्व है, पसंद की यानी पस नर्व दो पांचवी नर्व, यानी ये कैसी हो गई मिक्स्ड नर्व हो गई। और इसका काम क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा कि ये टीथ को और जॉ की मसल्स को सप्लाई करता है। जॉ जबड़े को कहते हैं, जबड़े की मसल्स को सप्लाई करता है, यानी जब जबड़ों का जो मूवमेंट है यानी माउथ की ओपनिंग और क्लोजिंग, जब मैंडिबल यानी कि नीचे का जबड़ा लोअर जॉ जब मूवमेंट करता है, उस मूवमेंट की वजह से अपने अपना मुंह खुलता है और बंद होता है, यानी माउथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज कंट्रोल्ड बाय द मसल्स ऑफ जॉ एंड दिस इज कॉल्ड एज मैस्टिकेशन, दिस इज कॉल्ड एज मेस्टिकेशन। इसलिए हम लोग जॉ मसल्स को कहते हैं मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, यानी वो मसल्स जो चबाने के काम आती है। मेस्टिकेशन का मतलब होता है चबाना। अब जब मुंह खुलेगा और बंद होगा तो मेन फंक्शन क्या होता है, चबाने का काम होता है। तो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को हम कहते हैं जॉ मसल्स, और ये जो चबाने का काम है, मेस्टिकेशन का जो फंक्शन है, वो रहता है हमारे डेंटिस्ट नर्व ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू।
सिक्स्थ नर्व की बात करेंगे तो सिक्स्थ नर्व का नाम आते ही हम लोग बोलेंगे ओटा फगवा यानी ए, एब्डुसेंस की बात करेंगे, और सिक्स्थ मतलब 346 यानी फंक्शन क्या हो गया इसका, मूवमेंट ऑफ आईबॉल। 346 में वापस आपको याद करवा देता हूं। नेक्स्ट चलते हैं सेवंथ, सेवंथ फगवा यानी फ, फ मतलब फेशियल नर्व। अब आपको नाम से समझ में आगे आ जाएगा कि ये फेस को सप्लाई करती है और इससे वो फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करती है, यानी जो हम जितने भी फेस के एक्सप्रेशंस हमारे हाव भाव बनाते हैं वो सारे फेशियल नर्व की हेल्प से बनते हैं। अगर आपकी ये फेशियल नर्व पैरालाइज हो गई तो आपकी जो मसल्स जिनकी वजह से आपके फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं वो मसल्स काम नहीं करती। और इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो अपने को याद करना है, और वो ये फंक्शन है कि ये आपकी टंग के एंटीरियर टू थर्ड पार्ट में टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। टंग इज ऑल्सो सेंस ऑर्गन। हमने जो मेन सेंस ऑर्गन्स थे हमारे, बात कर ली थी हमने जो आँख नाक और कान की, तो उसके अलावा टंग भी रहता है, बट टंग को अलग से कोई नर्व सप्लाई नहीं है, इसलिए फेशियल नर्व ही उसके एंटीरियर टू थर्ड पार्ट को सप्लाई करती है। बट यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एंटीरियर टू थर्ड अलग क्रेनियल नर्व से और पोस्टीरियर वन थर्ड अलग क्रेनियल नर्व से, और एंटीरियर टू थर्ड आती है हमारी फेशियल नर्व के थ्रू। और ये क्वेश्चन केवल नीट यूजी में ही नहीं, नीट पीजी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको अभी से ही याद कर ले। देखिए फेशियल एक्सप्रेशंस मोटर एक्सप्रेशंस है तुम्हारे मसल्स की वजह से है, और टेस्ट तुम्हारा सेंसरी है, यानी फेशियल नर्व सेंसरी भी है और मोटर भी है, यानी कि एक मिक्स्ड नर्व हो गई, यानी पसंद का स फेशियल। नेक्स्ट चलते हम लोग एट्थ नर्व, 128 मतलब सेंसरी नर्व्स थी 1, 2 और 8। पहली हो गई हमारे नोज के लिए, सेकंड हो गई आई के लिए, तो कौन सी बची, फॉर दी ईयर, कान की जो नर्व है यानी कि ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व इसको भी अगर आप याद करना चाहो तो ऑडियो, ऑडियो किसको हम कहते हैं, आवाज को, यानी ऑडिटरी नर्व किस में हेल्प करती है, आवाज सुनने में हेल्प करती है। और अगर आपने बायो अच्छे से पढ़ी है तो आपको अच्छे से पता होगा कि ईयर के मेन दो फंक्शंस होते हैं बॉडी में, सुनने के अलावा ये बॉडी बैलेंसिंग यानी बॉडी इक्विलिब्रियम का भी काम कौन करता है हमारे अंदर, कान का काम है। यानी ऑडिटरी नर्व के भी दो फंक्शंस हो गए, एक सुनना और एक बॉडी का बैलेंस बना के रखना, यानी बॉडी इक्विलिब्रियम एंड हियरिंग, बोथ आर दी फंक्शंस ऑफ ऑडिटरी नर्व, द नर्व नंबर 8। हमें नाइन्थ वाली पे, तो नाइन्थ वाली का नाम है हमारा ग्लॉसो फेरेंजियल। यहाँ पे भी मैं आपको बहुत बढ़िया वर्ड सिखाता हूँ, और वो वर्ड है हमारा ग्लॉसो। ग्लॉसो वर्ड का मीनिंग होगा टंग। सेम क्रेनियल नर्व नंबर 12th में भी ये वर्ड यूज होता है ग्लॉसो, तो ग्लॉसो का मतलब ही मैंने क्या याद कर लिया, टंग, यानी ग्लॉसो हो गया टंग, फेरेंजियल हो गया फेरिंग्स, यानी ये नर्व कहाँ कहाँ रहती है, टंग और फेरिंग्स के अंदर। तो फंक्शन, तो जब नाम में ही टंग आ रहा है मतलब ये टंग को सप्लाई करती होगी, तो एंटीरियर टू थर्ड में अगर फेशियल का सप्लाई है फेशियल नर्व का, तो पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट में ग्लॉसो फेरेंजियल का सप्लाई होगा। जैसा मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर आप इस तरह से टर्म्स याद करते करते सीखेंगे तो आपको चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में जाकर आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा कि टंग को सप्लाई कौन कर रहा है, आपको तो बस ये याद करना पड़ेगा, अच्छा ग्लॉसो मतलब टंग, तो ग्लॉसो फेरिंजियल, ओके, तो ग्लॉसो फेरिंजियल टंग का कौन सा पार्ट फेरिंग्स के पास है, एंटीरियर पार्ट या पोस्टीरियर पार्ट, तो क्लियर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, फेरिंग्स तो के पास तो टंग का पोस्टीरियर पार्ट है, यानी पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ पार्ट ऑफ टंग इज सप्लाइड बाय ग्लॉसो फेरिंजियल नर्व। और सलाइवा का सिक्रेशन जो है, हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा सिक्रेट करती है, दैट इज आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। 10th क्रेनियल नर्व की बात करूंगा, वेगस। वेगस इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। अब तक हमने जितनी भी नर्व्स पढ़ी आप वापस से रिवाइज कीजिएगा, फर्स्ट से लेकर 9th तक जब आप उनका फंक्शन पढ़ोगे तब आपको रियलाइज होगा कि सर हमने हेड के अलावा किसी और चीज की बात की ही नहीं, चाहे फेशियल एक्सप्रेशन हो, जॉ मसल्स हो, आंख नाक कान कुछ भी हो, ये सब के सब हेड से रिलेटेड थे। ये वेगस पहली नर्व है जो नेक के थ्रू होती हुई नीचे की तरफ जाती है। दिस इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, सबसे लंबी क्रेनियल नर्व है वेगस, और ये बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई करती है, यानी ये विसरल सेंसेशंस, बॉडी के सेंसेशंस बहुत सारे और बॉडी के बहुत सारे मूवमेंट्स में हेल्प करती है। वेगस के फंक्शंस आपको सीखने को मिलेंगे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंदर, जहां मैं आपको सिखाऊंगा कि वेगस नर्व किस तरह से और ज्यादा फंक्शन कैरी आउट करती है। तो वेगस के फंक्शंस डिटेल में हम लोग वहां पर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। 11th नर्व है हमारी एसेसरी स्पाइनल नर्व, और इसका जो फंक्शन रहता है वो रहता है कि फेरिंग्स और लैरिंग्स का मूवमेंट किसके हाथ में, एसेसरी स्पाइनल नर्व के हाथ में। सबसे लास्ट वाली नर्व का नाम है हाइपोग्लॉसल। ग्लॉसल मतलब क्या हो गया, टंग, तो यानी हाइपोग्लॉसल का भी फंक्शन किससे रिलेटेड होगा, टंग से रिलेटेड होगा, और इसका फंक्शन है मूवमेंट ऑफ टंग।
तो मूवमेंट ऑफ टंग हाइपोग्लोसल, मूवमेंट ऑफ फेरिंग्स एंड लैरिंग्स एसेसरी स्पाइनल, मूवमेंट ऑफ फेशियल मसल्स फेशियल नर्व, मूवमेंट ऑफ आई बॉल 346 यानी नर्व नंबर 3, 4, 6। यहाँ पे मैं आपको केवल और केवल आपको याद करने के लिए मैंने वर्ड्स 1, 2, 4, 5 वगैरह लिखे हैं। बाकी आइडियली स्पीकिंग जब भी आपको क्रेनियल नर्व लिखना हो तो आप हमेशा रोमन नंबर्स यूज करेंगे, जैसा मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड में 9th, 10th, 11th और 12th लिखा है। इस तरह से रोमन नंबर यूज करके आप नर्व को रिप्रेजेंट करें। डायरेक्ट मैथमेटिकली 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 आप नहीं लिख सकते। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। इसी तरह से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अंदर का जो स्पार्क है उसको किंडल करते रहिए, जलाते रहिए, उसको बढ़ाते रहिए हमारे साथ इल्यूम बायोलॉजी के साथ। थैंक यू वेरी मच।